तो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर। ये जो नोटिस है वो आज ही रिलीज किया गया है। डेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 28 नवंबर 2020। इस नोटिस में इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो बोला गया है कि इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट दैट द प्रोविजनल रिजल्ट फॉर राउंड टू ऑफ यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस सीट्स इज नाउ अवेलेबल। तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 13th नवंबर 2020। एनी डिस्परेंसी इन द रिजल्ट मे बी इन्फॉर्म्ड टू एमसीसी ऑफ डीजीएचएस थ्रू ईमेल ऑन द ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको दिया गया है mccresultquery@gmail.com टिल 1 PM ऑफ 29th of November 2020। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो 30 नवंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। अगर प्रोविजनल रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो आप एमसीसी के जो डीजीएचएस है उनको मेल कर सकते हैं इसकी मेल आईडी पर mccresultquery@gmail.com पर। और ये जो मेल है वो 29th ऑफ नवंबर 2020 दोपहर 1 बजे तक ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद कोई भी मेल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आफ्टर विच द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट एंड अलॉटमेंट लेटर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर बुकिंग टू टिकट्स ETC फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेजेस। देखिए, फाइनल अभी प्रोविजनल रिजल्ट आपको जारी कर दिया गया है, इसमें पता लग जाएगा कि आपको किस किस कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट्स मिली है और उन सीट्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी अपनी ट्रेन या फिर अपनी अपनी बसेस की जो भी टिकट्स होंगी वो बुक करा लेंगे। लेकिन एमसीसी ने बोला है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, यानी कि 13 नवंबर तक किसी भी प्रकार की कोई भी बुकिंग आप ना कराएं, ना कि ट्रेन ना ही बसेस की कोई भी बुकिंग ना कराएं। जैसे ही 13th नवंबर 2020 को आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें आपको जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप अपनी जो बुकिंग्स वगैरह है या फिर कुछ और जो है वो आप करा सकते हैं। बोला, नीचे बोला गया है कि डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 13th नवंबर 2020। तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप 13th नवंबर 2020 से जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी फैसिलिटी 30 नवंबर 2020 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है जो कि एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है राउंड टू नीट यूजी 2020 के काउंसलिंग की एस्पिरेंट्स के लिए। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी सेकेंड राउंड की फाइनल कट ऑफ क्या रही, इस कट ऑफ के बेसिस पे मोपअप की क्या कट ऑफ रह सकती है, मोपअप के लिए कितनी सीट्स बची हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।